कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया शिव विजय धनुष था। यह धनुष जिस भी योद्धा के हाथ में होता था उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद्य घेरा बना देता था जिसे भगवान शिव जी का पाशुपतास्त्र भी भेद नहीं सकता था। कर्ण को महाभारत में तब तक नहीं मारा जा सकता था जब तक कि उसके हाथ में वह धनुष था। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजय धनुष है तब तक तीनों लोकों के योद्धा एक साथ मिलकर भी कर्ण को नहीं हरा सकते हैं। मंत्रों से अभिमंत्रित होने के कारण विजय धनुष पर जिस भी बाण को रखकर चलाया जाता था उस बाण की ताकत उसकी वास्तविक ताकत से कई गुना बढ़ जाती थी। कर्ण के धनुष में ऐसी खूबियां थीं जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी। विजय धनुष की प्रत्यंचा इतनी मजबूत थी कि उसे दुनिया के किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं काटा जा सकता था। इससे तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न